मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुआज़्ज़म खान जतोई को महकमा एंटी करप्शन ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुआज़्ज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। ज़राए के मुताबिक मुआज़्ज़म खान जतोई को गुज़श्ता रोज़ मुल्तान से उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया गया था। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुआज़्ज़म खान जतोई को महकमा एंटी करप्शन ने पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। राणा अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ बताइएगा तफसीलात। जी, कौमी असम्बली मुअज़्ज़म खान जतोई गुज़श्ता रोज़ मुबैना तौर पर मंज़र आम से गायब हो गए थे। पार्टी ज़राए का कहना था कि मुअज़्ज़म जतोई को जो है अगवा कर लिया गया, लेकिन मेंबर कौमी असम्बली मुअज़्ज़म खान जतोई को थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने मुअज़्ज़म खान जतोई को पुलिस के हवाले किया है। मुअज़्ज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुअज़्ज़म खान जतोई गुज़श्ता रोज मुल्तान में वाकई अपनी रिहायश गाह से जो है इनको ले जाया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ तफसीलात के लिए।